नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 के डिविजिबिलिटी के लिए हमें मान लीजिए एक नंबर दिया है 2, 3, 9, 5, 6, 4। हमें देखना है कि क्या यह नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो बच्चों आप इसको याद रखना, जैसे हमने 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था तो आखिरी दो डिजिट लिए थे, यूनिट प्लेस और वंस प्लेस। जब हम 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो हम आखिरी के तीन डिजिट्स लेंगे, यूनिट प्लेस, वंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस। ये तीन डिजिट लेंगे, ये आया 564। अब हम देखेंगे कि क्या ये 564 8 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है। ठीक है, 8 के पहाड़े में 8 7 56, यहाँ से बचा 0 और यहाँ से बचा 4। 8 के पहाड़े में 4 नहीं आता, इसका मतलब ये 564 8 के पहाड़े में नहीं आया, इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। आइए कोई और नंबर देखते हैं, 1 4 8 8 5 6। अब ये एक नंबर है, हमें देखना है कि ये एक नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसका यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस हमने कंबाइन करना है। तीनों नंबर्स को, तीनों डिजिट्स को कंबाइन करने से हमें मिला है 856। हम देखेंगे कि 856 8 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है। मुझे लगता आ जाएगा। देखिए 8 1 8, 8 में से 8 गए 0, ऊपर से उतारा 5, 5 8 के पहाड़े में नहीं आता, छोटा है इसे उतारने से काम नहीं बना, तो यहाँ डालेंगे 0, 0 डाल के अगली रकम उतार लेंगे तो ये बन गया 6। तो 8 7 56, बाकी बच गया 0। इसका मतलब 856 8 के टेबल में ये नहीं आया था, 856 8 के टेबल में आता है, इसका मतलब यह पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से मान लीजिए एक नंबर मैं लेता हूँ 3 5 4 8 7 9 6। हमें देखना है कि 8 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस को कंबाइन कर लेंगे। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड प्लेस को कंबाइन करने से हमारे पास आ गया 796। हम देखेंगे कि 796 8 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो 796 को 8 से भाग कर दो, 8 8 9 72, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 7 के 0, ऊपर से उतारा 6 7 6 76। तो फिर से 8 9 72, 76 में से 72 गए 4, आगे उतारने के लिए कुछ है नहीं, तो 4 शेष आया। इसका मतलब 796 8 के पहाड़े में नहीं आता। यदि ये आखिरी तीन डिजिट 8 के पहाड़े में नहीं आएंगे तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये है 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। याद रखना, 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लेते हैं आखिरी दो डिजिट्स और 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लेते हैं लास्ट के तीन डिजिट्स। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। आशा करता हूँ आपको 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको यह समझ आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके लाइक करने से ही हमें और ऐसे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।